So today we are going to begin last chapter of financial accounting, and that is rectification of errors. It is a very small chapter, and in this chapter we will learn how to rectify the errors in accounting. See, when we pass the journal entries or when we do the posting in the ledger, many times we make error. Sometime what happens, instead of debiting, we do the credit. Instead of writing 10,000, we write 1,000. So many small errors take place during the accounting process. Now in accountancy, once you make the error, once you have written in the books of account, you cannot erase it. So what we have to do? When we come to know about this error, we have to pass one rectification entry. So in this chapter, we will learn how to rectify the error and how to pass the rectification entries. So this chapter deals with correction or rectification of the errors which we make while preparing the books of account. So first of all, let us understand what is error. So simple meaning of error is given here. Error may be defined as unintentional omission or commission of amount and accounts in the process of recording transactions in the books of account. See, error hota hai to wo intentionally nahi hota hai, unintentionally hota hai. या तो हम कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, या तो रिकॉर्ड करते हैं तो सही अकाउंट में नहीं लिखते हैं, या तो सही अकाउंट सिलेक्ट नहीं करते हैं, या तो रॉन्ग अमाउंट लिख देते हैं, डेबिट का क्रेडिट हो जाता है, अमाउंट गलत लिख देते हैं. तो ये सारी जो एरर्स होती है वो अनइंटेंशनली होती है. दैट्स व्हाई इट इज रिटन एरर्स आर अनइंटेंशनल ओमिशन. मतलब भूल जाना, ट्रांजेक्शन लिखना ही भूल जाना. ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस, मान लो कि गुड्स सेल किया है आपने किसी को, आपके पास बिल भी आया है, पर जब आप सारे बिल लेके बैठे अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने के लिए तो कोई एक बिल रिकॉर्ड करना ही रह गया. सो दैट इज ओमिशन ऑफ द ट्रांजेक्शन. या तो रिकॉर्ड कर रहे हो पर जल्दी जल्दी में देखते हो तो 5,000 की जगह पे 500 लिख देते हो, या तो 500 की जगह पे 5,000 लिख देते हो, इसी कुछ अमाउंट की एरर हो जाती है. सो दे ऑल आर एरर. नाउ इन अकाउंटिंग एरर्स आर ऑफ फोर टाइप्स. देर आर फोर टाइप्स ऑफ एरर्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर. द फर्स्ट टाइप ऑफ एरर इज एरर ऑफ ओमिशन. अच्छा, एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? टू ओमिट. टू ओमिट मतलब भूल जाना, लिखना ही भूल जाना, ओमिट कर देना, स्किप हो जाना. तो आप ट्रांजेक्शन लेके बैठे हो, आपके पास सारे बिल्स पड़े हैं, वाउचर्स पड़े हैं, उन वाउचर्स को देख के आप बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज कर रहे हो. अब कोई वाउचर आप मिस कर गए, रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो दैट इज एरर ऑफ ओमिशन. एरर विच अराइज ड्यू टू नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन होली और पार्टली आर कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन. पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन लिखना भूल गए, या तो थोड़ा लिखा और थोड़ा नहीं लिखा, तो दैट इज एरर ऑफ ओमिशन. तो ये सिंपल एरर है जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं हम. सेकंड टाइप है एरर ऑफ कमीशन. अच्छा, एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है कि गलत अमाउंट लिख दिया जाता है. आपने ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड किया होगा पर रॉन्ग अमाउंट लिख दिया होगा, या तो गलत जगह पे उसका पोस्टिंग कर दिया. जैसे कि कैश अकाउंट में पोस्टिंग करना हो तो गलती से बैंक अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया. 3,000 पोस्टिंग करना था, उसकी जगह पे 300 पोस्टिंग हो गया. कैलकुलेशन आपके गलत हो गए, टोटलिंग गलत कर दिया आपने, बैलेंस गलत निकाल दिया. तो ये सारी जो एरर्स है उसको एरर ऑफ कमीशन कहा जाता है. तो एरर ऑफ कमीशन में ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड होता है, पर मिस्टेक क्या हो जाती है? कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, रॉन्ग अकाउंट सिलेक्ट हो जाता है, रॉन्ग अमाउंट सिलेक्ट है, गलत जगह पे
हम उसका पोस्टिंग कर देते हैं, तो इसी एरर्स को एरर ऑफ कमीशन कहा जाएगा। देन द थर्ड टाइप ऑफ एरर इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। जब हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट किया तो उसमें मैंने आपको कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हमने पढ़े थे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमने देखे थे। तो व्हेन वी मेक मिस्टेक इन अप्लाइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और वी डू नॉट फॉलो द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, देन इट इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। हमें पता है कि पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो रूल्स तो हमें पता है, पर गलत अकाउंट सिलेक्ट कर लिया और गलत रूल लगा दिया। जैसे कि सैलरी पेड टू मिस्टर महेश 5,000 रुपीज, मिस्टर महेश को 5,000 रुपीज सैलरी पे किया, तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, सैलरी को डेबिट करना है बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ये सही रूल है। पर गलती से हमने, मान लो हमने ऐसा सोचा कि महेश को हमने सैलरी पे की है तो महेश इज द रिसीवर, तो पर्सनल का रूल अप्लाई कर दिया और आपने लिख दिया महेश अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये गलत हो जाएगा। वेन एवर वी आर रिकॉर्डिंग द इनकम एंड एक्सपेंस देन इट इज इमटेरियल द पर्सन, वी हैव टू कंसिडर द इनकम एंड एक्सपेंस। तो सैलरी अकाउंट डेबिट करने की जगह पे आपने महेश अकाउंट डेबिट कर दिया, सो दिस इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, तो उसमें गलती हो जाती है। रेवेन्यू रिसिप्ट को आप कैपिटल रिसिप्ट बता देते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बता देते हो, तो इस तरह का छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है बिकॉज ऑफ अप्लाइंग द रॉन्ग प्रिंसिपल, सो दैट इज नोन एज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। और द लास्ट वन इज कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर में क्या होता है कि आपने कोई एक एरर किया है, मान लो कि कुछ गलत डेबिट कर दिया है, मान लो 400 रुपीज से आपने कोई गलत अकाउंट डेबिट कर दिया है, दूसरी भी एक एरर आप कर देते हो, 400 रुपीज से आप कोई गलत अकाउंट क्रेडिट कर देते हो, तो एक एरर आपने डेबिट का 400 का कर दिया और एक एरर आपने क्रेडिट का 400 का कर दिया, अमाउंट दोनों का सेम है, एक डेबिट कर दिया गलती से, एक गलती से क्रेडिट कर दिया, दोनों में 400 रुपया आपने लिख दिया, तो यहां पे ये जो एरर है आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि एक अकाउंट डेबिट कर दिया है 400 से और दूसरा अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया 400 से, दोनों अकाउंट रॉन्ग है। पर गलती क्या हो, बिकॉज ऑफ दिस एरर व्हाट विल हैपन, आपका ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा पर आपको ये एरर दिखेगी नहीं। क्यों नहीं दिखेगी, कि एक एरर को दूसरी एरर ने कंपेंसेट कर दिया। 400 डेबिट किया होता और क्रेडिट किया नहीं होता आपने तो एरर पकड़ी जाती, पर आपने तो दो एरर कर दिया, डेबिट 400 कर दिया और क्रेडिट भी 400 कर दिया, दोनों एरर है, तो यहां पे जितना डेबिट किया है उतना ही क्रेडिट हो गया है 400 से, तो ट्रायल बैलेंस तो आपका टैली हो जाएगा पर आपको ये एरर दिखेगा भी नहीं। तो व्हेन वन एरर इज कंपेंसेटेड बाय द सेकंड एरर देन इट इज नोन एज कंपेंसेटिंग एरर। तो एरर विच काउंटर बैलेंस ईच अदर दैट इज कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड कंपेंसेटिंग एरर। जैसे मैंने आपको अभी बताया, गलती से आपने 400 डेबिट कर दिया, फिर दूसरी एक एरर करते हो जिसमें 400 गलती से क्रेडिट कर दिया, तो दो एरर हुई पर दोनों की अमाउंट आपने इक्वल ली है, एक को डेबिट किया है दूसरे को क्रेडिट किया है, तो डबल एंट्री के प्रिंसिपल के हिसाब से ट्रायल बैलेंस तो ट्रेली हो जाएगा क्योंकि डेबिट इन क्रेडिट 400 से ही हुआ है, नो डाउट बोथ आर एरर, तो आपकी एरर दिखेगी नहीं बट एरर तो है, सो उसको कंपेंसेटिंग एरर कहा जाएगा। सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ एरर। एरर ऑफ ओमिशन, जिसमें हम पूरा ट्रांजेक्शन या तो कुछ आधा ट्रांजेक्शन लिखना भूल जाते हैं। एरर ऑफ कमीशन, जिसमें रॉन्ग अमाउंट पोस्ट हो जाती है, रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट हो जाती है, टोटलिंग गलत हो जाता है, बैलेंस गलत निकाल देते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल में रॉन्ग प्रिंसिपल अप्लाई हो जाता है।
या तो प्रिंसिपल्स का नॉलेज ना होने की वजह से हम गलत अकाउंटिंग इफेक्ट दे देते हैं, कैपिटल रिसीप्ट को रेवेन्यू रिसीप्ट बता दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बता दिया, तो ये सारी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। और कंपेंसेटिंग एरर में क्या होता है कि एक एरर आप करते हो, उसी अमाउंट की दूसरी एरर आप करते हो, तो आपकी एक एरर दूसरी एरर से कंपेंसेट हो जाती है। मतलब एक डेबिट इफेक्ट दिया आपने और दूसरा क्रेडिट इफेक्ट दिया, तो एरर कैंसल हो जाएगी बट एरर होगी। तो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ एरर। अब एरर आपको पता कब चलेगी? तो मेनी टाइम इट हैपेंस दैट यू कम टू नो एरर बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, समटाइम व्हेन यू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एट दैट टाइम यू कम टू नो अबाउट योर एरर, या तो बाद में ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको एरर पता चलेगी। तो एरर आपको कभी भी पता चल सकती है अगर है तो। अब जो एरर्स होती है अकाउंटिंग एरर्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक ऐसी अकाउंटिंग एरर होती है जिसमें आपको एक ही इफेक्ट दिया है और दूसरा इफेक्ट नहीं दिया है, और दूसरी एक ऐसी एरर होती है जिसमें आपने दो इफेक्ट दे दिया है। तो उसके हिसाब से अगर देखने जाए तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर। अब जो ये वन साइडेड एरर्स है जिसमें कोई एक अकाउंट डेबिट हो गया गलती से, या तो कोई एक अकाउंट गलती से क्रेडिट हो गया, दो जगह पे एरर नहीं होगी, कोई एक ही जगह पर होगी डेबिट या क्रेडिट में, तो इससे आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा और इसकी इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पर पड़ेगी। नॉर्मली हमें पता है कि जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड इक्वल होते हैं। अगर आपने सही से डेबिट और क्रेडिट किया है सही अमाउंट से, तो जितना डेबिट का टोटल होगा उतना ही क्रेडिट का होगा। पर जब आपने वन साइडेड एरर कहीं पे किया होगा तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ उसका मतलब कि एरर की इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पर हो चुकी, इसलिए उसको बोलेंगे एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, और वो एरर होती है वन साइडेड एरर। दूसरी एक एरर होती है टू साइडेड एरर, गलत डेबिट कर दिया और गलत क्रेडिट भी कर दिया, दोनों साइड गलती कर दी, डेबिट साइड गलती कर दी, क्रेडिट साइड भी गलती कर दी, तो इस एरर की इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगी क्योंकि एक एरर दूसरी एरर को कंपेंसेट कर देती है यहाँ पे, तो इट विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो जो टू साइडेड एरर्स होगी वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी, पर वो एरर तो होगी, हमें उसको भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब एरर को रेक्टिफाई कब करना है, तो उसके स्टेजेस दिए हैं, व्हेन यू हैव टू रेक्टिफाई द एरर। तो यहां पे आपको दो स्टेजेस बताए हुए हैं। एक तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आप रेक्टिफिकेशन एंट्री कर लो और आपकी जो भी मिस्टेक्स हुई है अकाउंटिंग में उसको सुधार लो। ये तब पॉसिबल है जब आपको ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले एरर्स पता चल जाती है। दूसरा पॉसिबिलिटीज है कि आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया, अब आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एरर है। मान लो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड का टोटल 50,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल 40,000 आ रहा है, तो 10,000 का एरर है, 10,000 आपका क्रेडिट साइड कम हो रहा है। अब जो ट्रायल बैलेंस होती है वो साल के एंड में बनाई जाती है, जब हमें फाइनल अकाउंट बनाने हो तब, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने हो तब। अगर उस टाइम पे आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो और बाद में आपको पता चल जाता है कि एरर है और आपके पास टाइम नहीं है एरर को रेक्टिफाई करने का, क्योंकि इस एरर को फाइंड करने के लिए पूरे साल के बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने पड़ेंगे, कहाँ मिस्टेक हो गई, क्यों ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रही है, कहाँ पे हमने 10,000 का मिस्टेक कर दिया, कौन सा अकाउंट गलती से डेबिट या क्रेडिट कर दिया, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेम्पररी अकाउंट बना देना है ट्रायल बैलेंस में, जिसको हम बोलेंगे सस्पेंस अकाउंट। क्रेडिट साइड पे 10,000 कम आ रहा है तो अभी हम 10,000 रुपीज क्रेडिट साइड पर लिख देंगे और लिख देंगे सस्पेंस, मतलब देर इज एरर एंड वी हैव टू रेक्टिफाई इट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस।
तो एरर आप ट्रायल बैलेंस के बनाने के पहले भी रेक्टिफाई कर सकते हो और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी रेक्टिफाई कर सकते हो। तो देर आर टू स्टेजेस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड सेकंड इज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कब आप एरर को रेक्टिफाई करते हो, सुधारते हो, उसके हिसाब से जर्नल एंट्रीज बनेगी। तो हम दोनों तरह के ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे देख लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है और उसके पहले आपको एरर पता चल गई है, तो क्या स्टेज होगा? अब उसमें सबसे पहले देखते हैं वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर मतलब जो एक ही अकाउंट को इफेक्ट करती है, एक ही अकाउंट में आपने एरर कर दी है। तो वन साइडेड एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस जो है उसकी इफेक्ट हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइज से। अब यहां पे देखो, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले हम एरर को रेक्टिफाई करेंगे और ये वन साइडेड एरर है, मतलब कोई एक अकाउंट गलती से डेबिट या क्रेडिट हो चुका है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर विच वर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। उसमें सबसे पहले दिया है द टोटल ऑफ परचेस बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय 8,000। हम जब सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं तो उसमें एक परचेस बुक आता है, तो परचेस बुक का टोटल हमने 8,000 से कम लिखा हुआ है। अब परचेस बुक का टोटल आपने 8,000 से कम लिखा है, तो आपका परचेस बुक जो है उसमें डेबिट साइड पे 8,000 कम आएगा, क्योंकि परचेस बुक है। तो परचेस बुक के अंदर आपने 8,000 रुपीज कम लिखा है, टोटल में कम लिखा हुआ है। तो इस एरर को रेक्टिफाई कैसे करेंगे हम? तो इस एरर को रेक्टिफाई करने का एक तरीका है कि आप जब परचेस अकाउंट बनाते हो, जिसमें हम पोस्टिंग करते हैं सब्सिडियरी बुक से लेजर में जो पोस्टिंग करते हैं, तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड के ऊपर आप 8,000 लिख दो और वहां पे खाली सिंपली बता दो कि 8,000 का टोटलिंग कम हुआ था, तो ये एरर रेक्टिफाई हो जाएगी। चलो इसका सॉल्यूशन बताता हूं आपको, फिर से क्वेश्चन समझ लो। परचेस बुक 8,000 से अंडर कास्ट हुआ है, मतलब परचेस बुक का टोटल आपने 8,000 से कम किया है। तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? जब हम पोस्टिंग करेंगे लेजर में, तो परचेस अकाउंट में डेबिट साइड पे 8,000 लिख देंगे और वहां पे बता देंगे कि टोटलिंग वॉज लेस। ये आप तब कर सकते हो जब आपको परचेस अकाउंट बनाने से पहले एरर मिल जाती है, या तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले एरर मिल जाती है। तो इसका सॉल्यूशन आप देखो, सॉल्यूशन आप देखोगे यहाँ पे परचेस बुक इज अंडर कास्ट, तो परचेस बुक में टोटलिंग कम हुआ है, तो आप जब परचेस अकाउंट बनाओगे तो परचेस अकाउंट की डेबिट साइड आपको लिख देना है 8,000। अब सवाल ये है कि डेबिट साइड क्यों लिखना है? तो देखो, परचेस बुक है, परचेस का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए डेबिट साइड लिखना है। हम ट्रायल बैलेंस में सारे बैलेंस पढ़ चुके हैं कि जो असेट्स होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे परचेस है, तो परचेस इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस बिहाइंड गुड्स, इसका डेबिट बैलेंस होगा। तो डेबिट साइड आपने टोटल कम लिखा हुआ है, तो डेबिट साइड लिख दो 8,000, कम लिखा था तो लिख दो। तो परचेस अकाउंट में डेबिट साइड हम बता देंगे 8,000 और वहां पे पर्टिकुलर्स में लिख देंगे टू अंडर कास्टिंग ऑफ द परचेस बुक। जिस मंथ का होगा उस मंथ का नाम भी लिख देंगे, किससे, फॉर एग्जाम्पल जनवरी मंथ में टोटलिंग कम हुआ था। तो इस तरीके से आप इस एरर को रेक्टिफाई कर सकते हो। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर वन का आंसर। तो यहाँ पे इतना अकाउंट में लिखने से आपकी एरर सुधर जाएगी। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम परचेस बुक में ही हम करेक्शन कर दें, वाइटनर लगा दें। तो नो, अकाउंटेंसी डज नॉट अलाउ दिस।
अकाउंटेंसी में आप जब एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख देते हो तो बाद में आप उसको इरेज नहीं कर सकते, आप वाइटनर लगा के वो एरर को रेक्टिफाई नहीं कर सकते, आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री ही पास करनी पड़ेगी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड एरर दिया है, अ पेमेंट ऑफ ₹1200 फॉर सैलरी टू द मैनेजर हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू द सैलरीज अकाउंट। ₹1200 सैलरी दिया हुआ था जो हमने सैलरी अकाउंट में दो बार पोस्ट कर दिया है। अब देखो, सैलरी पे किया होगा तो उसका एंट्री क्या होगा, सैलरी टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे बिकॉज इट इज एक्सपेंस, और हमने कैश पे किया होगा तो टू कैश अकाउंट आएगा, अगर चेक दिया है तो टू बैंक आएगा। अब आप यहां पे देखो, दो बार पोस्टिंग हो गया है, जर्नल एंट्रीज तो उन्होंने लिख दिया सैलरी टू कैश, पर उस जर्नल एंट्री का लेजर में दो बार पोस्टिंग कर दिया, मतलब सैलरी अकाउंट में डेबिट साइड पे दो बार उन्होंने लिख दिया होगा टू कैश 1200, टू कैश 1200, दो बार लिख दिया। अब इसको हम मिटा तो सकते नहीं, एक बार लिख दिया तो व्हाइटनर इज नॉट अलाउड, तो क्या करेंगे, डेबिट साइड के सैलरी अकाउंट में हमने ₹1200 दो बार लिख दिया होगा तो इसको रेक्टिफाई करना है तो क्या करेंगे, एक अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, सैलरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ₹1200 लिख देंगे और बता देंगे रिकॉर्डेड ट्वाइस, तो आपकी जो एरर है रेक्टिफाई हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, यू कैन सी द सॉल्यूशन ऑन द स्क्रीन। सैलरी अकाउंट आप बनाओगे, सैलरी अकाउंट में दो बार डेबिट साइड पे लिख दिया है ₹1200, अब हम क्या करेंगे, एक बार कैंसिल करना है तो कैंसिल कैसे करेंगे, क्रेडिट साइड पे लिख के, सैलरी नॉर्मली डेबिट साइड पे लिखते हैं सैलरी अकाउंट के, अब हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग डेबिट गिवन ट्वाइस पोस्टिंग ₹1200। तो इससे होगा क्या, आपकी एक इफेक्ट कैंसिल हो जाएगी, देना था एक ही इफेक्ट, हमने दो बार लिख दिया था डेबिट साइड पर, अब हम जो दो बार लिखा है उसमें से एक को कैंसिल करना है तो क्रेडिट कर दो उसको और लिख दो पर्टिकुलर्स में बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग डेबिट गिवन। तो इस तरीके से आपका ये एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। तो दिस वॉज अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले वन साइडेड एरर का रेक्टिफिकेशन। नाउ नाउ वी आर सीइंग टू साइडेड एरर। अच्छा, टू साइडेड एरर क्या है, डेबिट भी गलत किया है और क्रेडिट भी गलत किया है, डेबिट में भी गलती कर दी है, क्रेडिट में भी गलती कर दी है, तो जब दो साइड आप एरर करोगे तो उसको टू साइडेड एरर बोला जाएगा। एज दिस एरर अफेक्ट टू अकाउंट साइमल्टेनियसली दे आर हेंस कॉल्ड टू साइडेड एरर। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, डेबिट में ₹400 गलती से लिख दिया और क्रेडिट में भी ₹400 गलती से लिख दिया, तो जितना डेबिट किया है उतना ही क्रेडिट किया है, तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा क्योंकि दोनों साइड 400 400 लिखा है, गलती पकड़ी ही नहीं जाएगी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ एरर, आपको ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन चेक करना पड़ेगा। तो दिस टाइप ऑफ एरर विल नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस बिकॉज दिस एरर आर ऑन द बोथ साइड। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। तो वी आर टेकिंग वन एक्सरसाइज, रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड एरर्स बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अच्छा, अभी हम ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले वाली बात कर रहे हैं, अभी हमारा ट्रायल बैलेंस बना नहीं है, उसके पहले हम एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल एरर ट्रायल बैलेंस एंड इट इज अ टू साइडेड एरर। देखते हैं किस तरह का एरर्स दिया हुआ है। फर्स्ट,
अच्छा, एरर को सुधारने के लिए जो जर्नल एंट्री करेगी उसको रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बोला जाएगा। अलग अलग तरह का जर्नल होता है, जैसे कि ओपनिंग एंट्रीज होता है, क्लोजिंग एंट्री होता है, एडजस्टमेंट एंट्री होता है। इसी तरह से एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए रेक्टिफिकेशन एंट्रीज होता है। सो राइट नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। वन साइडेड के लिए आपको जर्नल नहीं बनाना है। वन साइडेड एरर जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो अकाउंट इन्वॉल्व है उस अकाउंट में ही आपको इसका इफेक्ट दे देना है। बट वेन देर आर टू साइडेड एरर, वी हैव टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्री, वी हैव टू पास द रेक्टिफिकेशन एंट्री। फर्स्ट एंड क्वेश्चन में दिया है, ₹5,000 पेड एज ए रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड। देखो, एरर आपको तब पता चलेगी जब आपके रूल्स क्लियर हो गए, डेबिट क्रेडिट के रूल्स आपको सही तरीके से पता होगा, पोस्टिंग करना आपको सही तरीके से आता होगा। अब यहाँ पे गलती क्या की है वो देख लेते हैं। 5,000 पेड एज ए रेंट, तो 5,000 रेंट का दिया, तो सही एंट्री क्या होगी पहले उसका बात कर लेते हैं। इसका सही एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। रेंट एक्सपेंस है तो डेबिट करना पड़ेगा, और हमने कैश पे किया है, कैश गोज आउट तो कैश क्रेडिट होगा, तो सही एंट्री उसकी होगी रेंट टू कैश। पहली बात तो ए हो गई, रेंट टू कैश। मैं साइड पे उसका करेक्ट एंट्री लिख देता हूं, रेंट डेबिट होगा 5,000 से, और क्रेडिट क्या होगा, तो क्रेडिट होगा कैश, अगर चेक दिया है तो बैंक होगा, कैश को आप क्रेडिट करोगे 5,000 से। ये सही सही एंट्री है। अब ये लोगों ने गलती क्या कर दिया है, डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड मतलब जिस बंदे को इन्होंने रेंट पे किया उसका अकाउंट डेबिट कर दिया, तो ये लोगों ने गलती कर दिया है, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया है, और कैश तो क्रेडिट ही किया होगा क्योंकि कैश पे किया है। तो फर्स्ट जो बताया वो सही एंट्री है, करेक्ट एंट्री है, करेक्ट एंट्री है, और नीचे जो दिखा है वो रॉन्ग एंट्री है। तो दोनों तरह का एंट्री मैंने आपको यहां पे बता दिया है, एक करेक्ट एंट्री एक रॉन्ग एंट्री। अब इसके ऊपर से हमें क्या करना है, इसके ऊपर से हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री के लिए आपको याद रखना है, जो सही है वो पहले करो, और जो गलत किया है उसकी रिवर्स इफेक्ट दे दो। जो सही है उसको सही में लिख दो, और जो रॉन्ग किया हुआ है उसकी रिवर्स एंट्री इफेक्ट दे देना है। तो देखो, इसमें सही क्या है, तो सही है रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट को आपको डेबिट करना चाहिए, तो रेंट हम डेबिट कर देंगे। गलत क्या है, तो गलत उन्होंने लैंडलॉर्ड अकाउंट गलती से डेबिट कर दिया है, कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंडलॉर्ड अकाउंट उन्होंने गलती से डेबिट कर दिया है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू लैंडलॉर्ड, ये आपकी इफेक्ट हो जाएगी। तो आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री का जो आंसर होगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री का आंसर आपका ये रहेगा, रेंट अकाउंट आप डेबिट कर दोगे और लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। सो दिस इज योर रेक्टिफिकेशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। चलो आंसर देखते हैं। आंसर्स इसके नहीं दिए हुए हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, तो फर्स्ट वाले का आपका आंसर रहेगा, इसकी जर्नल एंट्री आप बनाओगे तो उसका आंसर रहेगा, जो सही है वो करना है, रेंट अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे 5,000 से, और क्रेडिट किसको कर दोगे, तो लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड अकाउंट जो है वो आप क्रेडिट कर दोगे 5,000 से।
ये आपका फर्स्ट रेक्टिफिकेशन रहेगा। रेंट को डेबिट इसलिए किया क्योंकि वो लोगों ने डेबिट नहीं किया था, तो हमको करना है तो कर दिया। गलती से उन्होंने लैंडलॉर्ड अकाउंट को डेबिट कर दिया था, तो वो तो गलत है, लैंडलॉर्ड अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप कोई एक्सपेंस पे करते हो तो एक्सपेंस डेबिट करना है। अब इन्होंने लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया था, तो इस एरर को सुधारने के लिए आप क्या करोगे, इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए जो गलती से लैंडलॉर्ड डेबिट हो गया है उसको क्रेडिट कर दोगे, तो आपकी एरर रेक्टिफाई हो जाएगी। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ₹30,000 पेड इन कैश फॉर द परचेस ऑफ कंप्यूटर वॉज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। अब देखो यहां पे क्या गलती कर दी है, 30,000 पे किया था उन्होंने, कैश पे किया था कंप्यूटर के लिए, तो जब भी आप कंप्यूटर या कोई असेट खरीदते हो तो सही एंट्री आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, और कैश दिया है तो एंट्री बनेगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000, ये आपका सही आंसर होना चाहिए, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब गलती क्या कर दी उन्होंने, कंप्यूटर की जगह पे उन्होंने गलती से डेबिट कर दिया है ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो गया है, तो हमें अब क्या करना है, जो गलत हुआ है उसको कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल करेंगे, इरेजर से नहीं करेंगे, व्हाइटनर से नहीं करेंगे। अगर गलत डेबिट हो गया है तो उसको क्रेडिट कर दो, और अगर गलत क्रेडिट हो गया है तो उसको डेबिट कर दो। अब यहां पे क्या हुआ होगा, तो ऑफिस एक्सपेंस गलती से डेबिट हो गया होगा तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, तो फिर डेबिट क्या करना है, डेबिट जो सही चीज है वो करना है, तो सही में यहां पे कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कंप्यूटर अकाउंट। तो अगर इसका हम रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हैं तो इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कंप्यूटर अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे जो भी अमाउंट है, और जो अकाउंट गलती से उन्होंने डेबिट कर दिया था उसको क्रेडिट कर दो टू ऑफिस एक्सपेंस। ये आपका हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ द सेकंड ट्रांजेक्शन। 30,000 रुपीज लिख देंगे कंप्यूटर अकाउंट में डेबिट, और ऑफिस एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे, तो दिस इज द रेक्टिफिकेशन ऑफ योर सेकंड एंट्री। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये सेकंड का रेक्टिफिकेशन हो गया। चलो अब देखते हैं थर्ड वाला पॉइंट। ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम जय किशन हैज बीन रॉन्गली क्रेडिटेड टू जैक्सन अकाउंट। ₹5,000 हमको जय किशन से मिला था। देखो ₹5,000 हमें मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और देने वाला जय किशन है तो जय किशन अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए, तो सही आंसर क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू जय किशन 5,000, ये सही आंसर होगा। अब गलती क्या कर दी है अकाउंटेंट ने, हैज बीन रॉन्गली क्रेडिटेड टू जैक्सन, जय किशन की जगह पे जैक्सन को क्रेडिट कर दिया है, मतलब ये बात तो यहाँ पे श्योर है कि कैश अकाउंट डेबिट किया है 5,000, एरर उन्होंने कहाँ पे की है, एरर उन्होंने किया हुआ है जय किशन के अकाउंट में, जय किशन को क्रेडिट करना चाहिए उसकी जगह पे जैक्सन को कर दिया है। अब इस एरर को रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो जैक्सन गलती से क्रेडिट हो गया है तो हम उसको डेबिट कर देंगे, जैक्सन को डेबिट कर दो, और जो सही में क्रेडिट होना चाहिए उसको क्रेडिट करो, तो सही में क्रेडिट कौन होना चाहिए, तो जय किशन।
अमाउंट 5000, ये आपका रेक्टिफिकेशन होगा, जैक्सन अकाउंट डेबिट टू जय किशन अकाउंट, ये आपका आंसर रहेगा, और जय किशन के अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे। तो हमने जैक्सन को डेबिट इसलिए किया क्योंकि वो गलती से क्रेडिट हो गया था। अब आप बोलोगे सर जैक्सन को हमने क्रेडिट कर दिया है तो उसको इरेज कर दो और वहां पे व्हाइटनर लगा दो और जय किशन लिख दो, तो नो, इन अकाउंटिंग इट इज नॉट अलाउड, यू कांट इरेज। व्हाट यू हैव टू डू, इफ यू हैव मेड एनी एरर देन यू हैव टू पास द रेक्टिफिकेशन एंट्री, सो इन दिस वे वी विल रेक्टिफाई दिस एरर। तो इसी तरीके से आपको और एक ट्रांजेक्शन दिया है, 6000 पेड फॉर द परचेस ऑफ फर्नीचर रॉन्गली चार्ज टू परचेस। अब देखो जब कोई असेट खरीदते हैं तो असेट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, अब इन्होंने गलती से परचेस अकाउंट डेबिट कर दिया है, तो परचेस गलती से डेबिट हो गया है तो क्रेडिट कर दो, और जो सही है उसको डेबिट करो। तो फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे और परचेस जो गलती से उन्होंने डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर दिस। फर्नीचर इसलिए डेबिट किया क्योंकि फर्नीचर असेट है, असेट खरीदोगे तो असेट को डेबिट करना है। परचेस को इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि वो गलती से डेबिट हो गया था। हम परचेस तब डेबिट करेंगे जब गुड्स खरीदेंगे, यहां गुड्स नहीं खरीदा है, असेट खरीदा है, इसलिए असेट को डेबिट करना पड़ेगा।